19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है, लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, आपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे। उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर, और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे, जो बच्चे बचे थे उन्होंने कहा, दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका भाई एयरफोर्स में था, उसने कहा, दीदी मैं पायलट बनूंगी, मैं एयरफोर्स में भर्ती होंगी। यही है शहादत की भावना। ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डाले, मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में वो जाता है कचहरी, जाएगा कुछ भी कर ले, मार डाले, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।